दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि नोकिया कीपैड मोबाइल से मैसेज नहीं जा रहा है या फिर मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, तब ये वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, नोकिया कीपैड मोबाइल से अगर मैसेज नहीं जा रहा है या फिर मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, तो इसके वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, पर दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं वो तीन कारण होते हैं, जिनके लिए मैंने लिख के रखा है, ठीक है। और दोस्तों जो तीसरा कारण है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आप ज़रूर देखना। दोस्तों इसके लिए जो पहला कारण होता है, पहला कारण है कि आपके लिए दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल में चेक करना है कि आपके मोबाइल में मैसेज है कि नहीं। या तो मैसेज होना चाहिए या फिर क्या मेन बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेन बैलेंस से भी मैसेज चले जाते हैं, ठीक। और दोस्तों जो दूसरा कारण होता है, दूसरा कारण ये है कि दोस्तों आपको अपने मोबाइल में चेक करना है कि आपके मोबाइल में सिग्नल आ रहा है कि नहीं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इनको सिग्नल बोलते हैं, ये इनको आप देख रहे हैं आइडिया के पास, इनको सिग्नल बोलते हैं, टावर होते हैं, तो ये आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब दोस्तों जो तीसरा कारण है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, उसको आप ध्यान से देखना। दोस्तों तीसरा कारण ये है, तीसरा कारण ये कि देखना, जैसे दोस्तों ये मोबाइल है, ये मोबाइल आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है नोकिया, ये मोबाइल नोकिया का है, ठीक है। और इसमें जो सिम डली हुई है वो आइडिया, आइडिया आप देख रहे हैं यहाँ पर टावर आ रहा है, ठीक है। ये नोकिया का मोबाइल है, आइडिया की सिम डली हुई है। और दोस्तों ये जो मोबाइल है ये नोकिया का मोबाइल है, पर दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं नो सिम कार्ड, यानी इसमें कोई सिम कार्ड नहीं डला हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कोई टावर भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि दोस्तों मैसेज करने के लिए अगर हम सेटिंग में जाते हैं, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर एक सेटिंग है, ये सेटिंग है, ठीक है। अब दोस्तों सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में नीचे आपको जाना है, नीचे जाना है, देखना इसमें नीचे जाना है, सॉरी आपको इस मेन सेटिंग में नहीं जाना है, आपको जाना है दोस्तों ए मैसेज वाली सेटिंग में, ठीक। मैसेज वाली सेटिंग में जाएंगे और इसमें सबसे नीचे जाएंगे, देखना आपको नीचे जाना पड़ेगा। ये दोस्तों आ गया मैसेज सेटिंग, ठीक है, इस पर जाना है। और इस पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ आपको देखना है सेंडिंग प्रोफाइल, ये आप देख रहे हैं सेंडिंग प्रोफाइल, ये सेंडिंग प्रोफाइल है दोस्तों। इस पर जैसे मैं टिक करूँगा तो ये आप दोस्तों एक नंबर देख रहे होंगे, ये आपको नंबर दिख रहा है ना दोस्तों, ये नंबर इसमें डला होना चाहिए, ये नंबर है जो इसमें सिम डली हुई है आइडिया की, ठीक, आइडिया की सिम डली हुई। तो दोस्तों आइडिया का मैसेज सेंटर का ये नंबर है, आइडिया मैसेज सेंटर। अगर दोस्तों ये नंबर यहाँ पर नहीं डला होगा तब मैसेज नहीं डालेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अगर इस नंबर में, अगर दोस्तों इस नंबर में जो आप देख रहे हैं ना प्लस, अगर ये प्लस भी नहीं लगा होगा तब भी मैसेज नहीं जाएंगे, तो इस नंबर में प्लस लगा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मोबाइल भी नोकिया का ही है, ये आप देख रहे हैं नोकिया का, पर दोस्तों इस मोबाइल में कोई सिम नहीं डली, ये देख रहे हैं नो सिम कार्ड। अगर मैं इसमें जाता हूँ मैसेज, और मैसेज में जाता हूँ लास्ट में नीचे मैसेज सेटिंग, इधर आप देखना इसमें कुछ नहीं बताएगा, इंसर्ट सिम, समझ गए। तो जो है मोबाइल कोई सा भी हो दोस्तों, वो डिपेंड नहीं करता, मोबाइल किसी भी कंपनी का हो, आपको डिपेंड करता है सिम किस कंपनी की है, ठीक है। जिस कंपनी की सिम है उसी कंपनी का उस मोबाइल में जो नंबर होता है, ठीक है, मैसेज सेंटर नंबर होता है, वो नंबर ज़रूर डला होना चाहिए, ठीक। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि किस किस का मैसेज नहीं जा रहा है। धन्यवाद।